स्वागत है आप सभी का दोस्तों मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे प्लगइन की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जिसको यूज करने से आप गूगल मीट पर अपने सभी पार्टिसिपेंट्स को एक साथ म्यूट कर सकते हैं, वो भी बस एक क्लिक से, और आप अपनी मीटिंग को प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट अगर बार बार अपना माइक अनम्यूट करता है तो आप उसे एक ही क्लिक से म्यूट कर सकते हैं, और इवन आप सभी पार्टिसिपेंट्स को एक ही क्लिक से म्यूट कर सकते हैं। हालांकि इस प्लगइन में सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा म्यूट करने का, अनम्यूट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अनम्यूट तो पार्टिसिपेंट्स खुद को वैसे भी कर ही लेते हैं। तो ये जो प्लगइन है ये आपको एक ऐसी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है जिससे आप सभी पार्टिसिपेंट्स को एक साथ म्यूट कर सकते हैं, जिससे आपकी जो मीटिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और अब आपके पार्टिसिपेंट्स चाहे कितनी भी बार खुद को अनम्यूट करके आपकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, आपके पास ये प्लगइन है उन सबको एक ही बार में म्यूट करने के लिए। तो ये जो प्लगइन है ये काफ़ी अच्छा प्लगइन है और आप इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ओपन करके। और एक छोटा सा लिमिटेशन ये है इस एप्लीकेशन का, इस प्लगइन का, कि ये सिर्फ कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए ही वर्क करेगा, ये मोबाइल डिवाइस के लिए वर्क नहीं करेगा। तो आप इस प्लगइन को उन मीटिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं जो मीटिंग आप कंप्यूटर या लैपटॉप से होस्ट करते हैं। और इस प्लगइन का एक फायदा ये भी है कि जब आप सभी पार्टिसिपेंट्स को म्यूट करते हैं तो अगर आप होस्ट हैं तो ये आपको म्यूट नहीं करेगा, आपका माइक जो है वो ऑन रहने देगा, बस ये जो है पार्टिसिपेंट्स के माइक को ही म्यूट करेगा। तो दोस्तों ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म की लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ, अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप उस प्रॉब्लम को मेंशन कर सकते हैं उस गूगल फॉर्म के अंदर, और मैं अपने आने वाले वीडियोस में उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा और उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि उस प्लगइन को कैसे यूज करना है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको ये जो लिंक है यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। आपको इस लिंक को इस तरह से कॉपी करना रहेगा वहाँ से, और अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना रहेगा और वहाँ पे इस पोजीशन पे पेस्ट कर देना रहेगा और एंटर प्रेस कर देना है आपको। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं ये जो प्लगइन है ये आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि प्लगइन मेरे जो डिवाइस में वो इंस्टॉल है तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आपके डिवाइस में इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको यहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको यहाँ से उसे इंस्टॉल कर लेना है, इंस्टॉल करने के बाद वो इस तरह से यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक मीटिंग शेड्यूल करके देखनी है कि ये जो प्लगइन है ये वर्क करता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे गूगल मीट से एक मीटिंग को शेड्यूल करने वाला हूँ और उस मीटिंग में मैं ज्वाइन होऊंगा इस कंप्यूटर डिवाइस से और मेरे एक दूसरे डिवाइस से, जिससे मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा कि ये जो प्लगइन है ये किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से ये जो मीटिंग का कोड मुझे मिला है ये मैं मेरे दूसरे डिवाइस में इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ से मैंने ये मीटिंग को स्टार्ट कर दिया है और मैंने यहाँ से मेरे दूसरे डिवाइस को मीटिंग में अलाउ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है इस तरह का जो माइक है ये आपके सामने आ जाएगा। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो एक ही पार्टिसिपेंट है, तो अब मान लीजिए कि आपके अगर पार्टिसिपेंट ने वहाँ से माइक ऑन कर दिया है तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो पार्टिसिपेंट है उसका जो माइक है वो ऑन हो गया है। देख सकते हैं आप पार्टिसिपेंट का जो माइक है वो ऑन हो गया, तो मैंने यहाँ से इसको प्रेस करा तो आप देखेंगे एक मैसेज आएगा, यू म्यूटेड नितिन आईफोन फॉर एवरीवन इन द कॉल। तो जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक करा तो आप देख सकते हैं कि जो आपका पार्टिसिपेंट था उसका जो माइक है वो ऑफ हो गया है। इस तरह से अगर एक से ज़्यादा लोगों का माइक ऑन होगा तो आपके इस बटन को प्रेस करने पर जो है उनका जो माइक है वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्लगइन है, इस तरह से इसका आइकन जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आपका माइक अगर यहाँ से ऑन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्टिसिपेंट्स का जो माइक है वो ऑफ होगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ से आपको एक बार करके बताता हूँ वापस से, यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने मेरा माइक जो है वो ओपन करके रखा हुआ है, और अब मैं यहाँ से पार्टिसिपेंट का जो माइक है यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट का माइक दिखेगा उसे मैं ओपन करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो पार्टिसिपेंट का जो माइक है वो बंद हो गया है, बट मेरा जो माइक है वो ओपन है,
ठीक है, मेरा जो माइक है वो वर्किंग है, पार्टिसिपेंट का जो माइक है वो क्लोज हो गया है, बंद हो गया है। तो ये छोटा सा प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपने सारे पार्टिसिपेंट्स के माइक को एक ही बार में बंद कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि आपके लिए ये जो प्लगइन है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि ये जो प्लगइन मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन होने वाला है। और मैं ये जानता हूँ कि कई सारे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी जब वो अपनी मीटिंग ले रहे थे, तो पार्टिसिपेंट्स जो हैं गूगल मीट पे उनको डिस्टर्ब करते थे अपने माइक को बार बार ऑन करके। और क्योंकि गूगल मीट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एक साथ सारे पार्टिसिपेंट्स के माइक को म्यूट कर पाएँ, तो ये जो प्लगइन है ये आपको इस चीज़ में मदद कर सकता है और 100% ये मदद करेगा ही करेगा आप लोगों को। तो दोस्तों जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ या रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिल पाएगा जब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, ताकि उन लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो पाए। और हाँ ये सच है कि अगर आप इसे शेयर करेंगे तो इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, मेरे जो व्यूज हैं वो पढ़ेंगे, ये आप सभी को पता है। तो अगर उससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसे लाइक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं और भी ऐसे वीडियोज बना पाऊँ। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, एक बार फिर आप लोगों के साथ में मैं एक नया वीडियो शेयर करूंगा जिससे आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगी गूगल मीट के अंदर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, देखते रहिए मेरे वीडियो। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं। और इस बार तो मैंने फॉर्म की लिंक भी मेंशन कर दी, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप फॉर्म के अंदर मेंशन कर सकते हैं और वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।